आज हमारे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मालपुआ। मालपुआ हम खास होली के त्यौहार पर बनाते हैं, तो एकदम कम मेहनत में आप बना सकते हैं, क्रंची एकदम सॉफ्ट एकदम टेस्टिंग बना सकते हैं घर में। तो चलिए इनको बनाने के लिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। मालपुआ बनाने के लिए हम ले रहे हैं मैदा, सूजी और उनके साथ में डालने के लिए हम ले रहे हैं थोड़ा सा आम, नारियल, लौंग, इलायची के हम पाउडर बना लिए हैं और एक किशमिश है, ये छोहरा है। आप चाहे तो इसके जगह पर आप काजू किशमिश डाल सकते हैं। तो ये सबको हम इसी में डालेंगे। आपको ज़्यादा क्रंची खाना हो तो आप सूजी के ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए हम एक कचौरी हम ले रहे हैं 200 ग्राम के अंदाज़ से, हम एक सूजी के मैदा को ले रहे हैं और 200 ग्राम के हिसाब थोड़ा सा जास्ती है, क्रंची हमको बनाना है इसीलिए हम इनको ज़्यादा ले रहे हैं थोड़ा सा। ये सबको हम छान के पहले से हम ले लिए हैं। उसके साथ में हम चीनी भी उतना ही, आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम मैदा सूजी के अंदाज़ से हम ले रहे हैं चीनी को, तो चीनी भी हम उसी कटोरी से हम ले रहे हैं जो कटोरी से हम मैदा लिए हैं सूजी को लिए हैं। आप चाहे तो मीठ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए सबको इसमें हम डाल दिए हैं। हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, नहीं डालेंगे सोडा, बेकिंग सोडा न बेकिंग पाउडर, हम सिर्फ इन्हीं को हम बनाएंगे, एकदम क्रंची फूले फूले बनेंगे एकदम। ऐसा आप ऐसा गाजर के भी बनता है मालपुए, और सूजी के भी बनता है, आटा से भी बनता है, गेहूँ कांटे से भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे जो हम लिए हैं ना छोरा, किशमिश, आप इनको जो इसमें आपको पसंद हो तो आप ले सकते हैं, नहीं पसंद है उसको हटा दीजिए। तो इसमें हम ले रहे हैं ये जो पत्ते हैं वो निकाल लेंगे हम, सिर्फ एक पाउडर को हम डालेंगे। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टेस्टिंग पसंद हो तो। इसमें डालेंगे बादाम। अब ये सबको हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें आप चाहे तो मावा भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें मावा भी डाल सकते हैं, दूध से घोल भी बना सकते हैं, लेकिन हम पानी से घोल बना रहे हैं। क्या है ये होली के त्यौहार आने वाले हैं उसी त्यौहार में हम बनाते हैं। आप अंदीना में भी बना के खा सकते हैं लेकिन खास करके लोग होली के त्यौहारों में बनाते हैं। अब इनको ना अच्छे से घोल बनाएंगे, इसमें एक भी गुठलिया नहीं रहना चाहिए। तो देखिए हम कम से कम 10 मिनट से इनको हम फेंट रहे हैं, एक भी गुठलिया नहीं है और मिश्रण भी आप देख सकते हैं नहीं पतला है नहीं गाढ़ा है, एकदम मीडियम में है। और ये जब हम मलपुआ बनाएंगे ना तो एकदम बहुत फूले फूले बनेंगे। तो चलिए इनको रेस्ट होने के लिए हम छोड़ देते हैं कम से कम 10 मिनट के लिए कि सूजी जो है वो फूल जाएंगे। देखिए हमारे मिश्रण के 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे सूजी जो है वो फूल गए होंगे, तो इनको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा मिश्रण गाढ़ा दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं। एक डाल के अगर ज़्यादा गाढ़ा होंगे तो फिर डालेंगे पानी। तो देखिए हमारा तेल भी गर्म हो चुके हैं, तो इसमें ना एक करसुल हम डाल के देख रहे हैं। तो देखिए हमारा मिश्रण बहुत गाढ़ा है, तो इसमें हम पानी थोड़ा सा डालेंगे। एक करसुल है ना, करसुल में एक करसुल हम डालेंगे, फिर कम पड़ेंगे तो इसमें और थोड़ा सा डालेंगे। मिश्रण एकदम गाढ़ा नहीं होना चाहिए और पतला भी नहीं होना चाहिए, पतला होंगे तो कढ़ाई में जाके बिखर जाएंगे और गाढ़ा होंगे तो कच्चा रह जाएगा, तो इस बात पर ध्यान रहे। तो देखिए थोड़ा सा पानी को हम और डालेंगे, ये देखिए आधा करसुल और डाल रहे हैं और इनको मिक्स कर देते हैं हम। तो मिश्रण हमारा एकदम परफेक्ट है, बराबर है, नहीं गाढ़ा है नहीं पतला है, पूरा परफेक्ट है। तो चलिए इनको शुरू करते हैं बनाने के लिए। जो हम डाले हैं उसको हम चेक कर लेते हैं, तभी कढ़ाई में चिबिक रहे हैं, वो ज़्यादा गाढ़ा था ना इसीलिए चिबिक रहे हैं, तो इनको हम देख लेते हैं।
तो देखिए कैसा फूल रहा है, एकदम जो फुलकी हम बनाते हैं ना उसी तरह फूल फूल के पूरा उलट जाएंगे। ये देखिए ज़्यादा गाढ़ा था ना इसीलिए वो चिपक गया था। तो इनको ना हम निकाल लेते हैं और दूसरा हम डालेंगे। ये दूसरा जो है वो हम डाल देंगे। ये देखिए और पूरा ना एकदम जालीदार बनेंगे, ये पूरे जाली जाली ये बनेंगे मालपुए। तो देखिए इनमें तेल हम थोड़ा सा आजू बाजू से करेंगे, कांचे में ऐसा ये करेंगे ना तो ये फट जाएंगे ऊपर से, इसी में तेल बहुत सारे ढुक जाएंगे इसलिए अपने आप को ऊपर आ जाएंगे ये। तो देखिए हम इनको पलटा दिए हैं दोनों तरफ, कम से कम 5 मिनट से 7 मिनट तक हम पकाएंगे कि अंदर का चप्पन ना रहे, ऊपर से एकदम क्रंची बनेंगे अंदर एकदम सॉफ्ट रहेंगे। तो देखिए इनको हम निकाल लेते हैं, इसको निकाल के ना एक जल्दीदार छन्नी में ले लीजिए कि इसमें का जो तेल एक्स्ट्रा है वो निकल जाएंगे। तो देखिए हम सबको पहले हम दो तीन हम आपको बताएंगे। तो देख रहे कैसा फूल रहा है, धरते बराबर एकदम फूल जाता है। और इसको ना अगर थोड़ा सा ऊपर से तेल ऐसा दे दीजिए कि एकदम फूल जाएंगे ये। ये देखिए और एकदम लाल एकदम गोल्डन कलर में बन के तैयार हो जाएगी ये। ये देखिए अब इसमें ना मावा डाल के बनाइए, मावा डाल के बनाएंगे ना दूध के साथ में घोल बनाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप चाहे 1 किलो 2 किलो के जितना के आप चाहे तो उतना के बना सकते हैं, तो हम कम में बना रहे हैं, हमारे घर में ज़्यादा खाने वाले लोग नहीं हैं इसीलिए हम कम में बना रहे हैं, नहीं तो हमारे गाँव में ना कैसे लोग 1-1, 2-2 किलो के बनाते हैं, 5-5 किलो के बनाते हैं। तो देखिए पूरे ऐसे हम गोल्डन कलर में हम सबको बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारे पूरे मालपुआ बन के तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं एकदम क्रंची बने हैं। अब ये थोड़ा सा हम कलर ज़्यादा डार्क कर दिए हैं, किसी का ये कर दिए हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं एकदम क्रंची हम बना के तैयार कर लिए। हम तोड़ के बता रहे हैं एकदम अंदर जो है ना वो सॉफ्टी होंगे, ये देखिए ऊपर से एकदम क्रंची, क्योंकि ज़्यादा सूजी जितना सूजी अगर ज़्यादा आप डालेंगे उतना ही आपको क्रंची बनेंगे। तो देखिए अंदर एकदम सॉफ्ट है, देख रहे हैं एकदम सॉफ्ट में हम बना के तैयार कर लिए हैं, क्रंची भी है। आप खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि दोनों आपको दोनों ऐसा क्रंची भी मिलेंगे सॉफ्ट भी मिलेंगे। ये देखिए हम टूटा हुआ का भी हम बजा के हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए। तो देखिए आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर हमारे वीडियो अभी नए देख रहे हैं तो वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।